नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय पथ। आज विजय पथ में हम आपको दिखाएंगे सोनभद्र में हुई लाल जमीन की गूंज दिल्ली तक। जी हां, वर्षों बाद इतना बड़ा नरसंहार जमीन की लड़ाई को लेकर के कहीं देखने को मिला है। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और बाकी चंदौली, बनारस, इन सबसे कटा हुआ बना हुआ एक ऐसा जिला जो पहले नक्सल की चपेट में था। आज यह नक्सल मुक्त, लगभग नक्सल मुक्त है, लेकिन यहाँ जल, जंगल और जमीन की लड़ाई इतनी तगड़ी है जिसमें कई नौकरशाह शामिल हैं, कई राजनेता शामिल हैं और वहाँ के कई व्यापारी शामिल हैं। लेकिन अभी जो हादसा हुआ है, ये हादसा कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा गुढ़ता वाला है जिसको समझने के लिए राज्य सरकार को, योगी सरकार को, जो सिर्फ गड्ढा मुक्त होने की बात कर रहे हैं और जो बोलते हैं कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, शायद उन्होंने ये करके न्योता दिया था कि बाकी बाहर रहने वाले सारे अपराधी उत्तर प्रदेश में आए और अपनी ताकत आजमाएं। जहां दिन दहाड़े 30-32 ट्रालियों पर चढ़ करके कुछ हथियारबंद लोग, जो 300-400 लोगों के संख्या में होते हैं, एक गाँव को घेरते हैं और वहां आदिवासियों पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। 9-10 लोगों की मौत, 15-20 लोग घायल। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि दहशत कैसी होगी जब दिन दहाड़े इन निरीह आदिवासियों पर हमला किया गया होगा। आप इनको निरीह बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि असली में ये पूरी की पूरी लड़ाई जमीन पर काबिज होने की है। जो कभी भूतपूर्व नौकर शाह ने, जो कि जिलाधिकारी कभी मिर्जापुर का हुआ करता था, अपने 2-3 साथियों के साथ मिलकर के कोऑपरेटिव व्यवस्था खत्म होते ही उस जमीन पर तौड़ियों के दाम काबिज पाने की एक षड्यंत्र रचा होगा। आज उसका परिणाम कई सालों बाद नजर आ रहा है, मतलब 20 सालों बाद। सुना है कि 2017 में इसकी रजिस्ट्री, उन्होंने यह पूरा का पूरा जमीन, जो कि 169-170 बीघे की जमीन है, ये पूरी उठा करके एक ग्राम प्रधान यज्ञदत्त को दे दी थी, जो कब्जा करने के लिए हथियारबंद लोगों के साथ वहां आते हैं और लोगों पर गोलियां चलाते हैं और मार देते हैं। क्या इतनी बड़ी घटना पुलिस को नहीं है, जिलाधिकारी को नहीं है या प्रशासन को नहीं है? जाहिर सी बात है, ये सबको पता था। इस हमाम में सब नंगे हैं और इतने ज्यादा गिर गए हैं कि इनको सरकार, मुख्यमंत्री की अपनी व्यवस्था, अपनी सोच, कानून सुधारने की कवायद या सरकार की साफगोई को खत्म करने का कोई डर नहीं। ये उसको खत्म करने पर और निपटाने पर तुले हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। शायद ये कहीं ना कहीं योगी के साफ सुथरे चरित्र को या उनकी कानून व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। यह प्रहार उन लोगों को भी बल दे सकता है जो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। ये एक सन्यासी जो मुख्यमंत्री बना है, जो कि सन्यासी है या नहीं, इस पर सवालिया लोग उठा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप उनके बारे में बुरा बोलेंगे तो आप जेल की हवा खाएंगे, तो शायद ना तो कोई पत्रकार बोलना चाहता है, ना रिपोर्टर, ना अधिकारी। लेकिन अगर संभल जाते वक्त 2 पुलिसकर्मियों को मार करके, जी हाँ, दिन दहाड़े उनको मार करके कैदियों को छुड़ा लिया जाए और सोनभद्र जैसे इलाके में वहाँ पर 10 लोगों का खून कर दिया जाए, कत्लेआम कर दिया जाए, तो आप ऐसी सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे? इसके पहले भी कई राजनीतिक हत्याएं हुई हैं जो प्रदेश में हर किसी को पता है, लेकिन सवाल अभी सिर्फ वही कायम है कि क्या इस तरह की जबरदस्ती, नौकरशाही और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कब्जा की हुई जमीन पर उपयोग करने वाले आदिवासी, जिनका हो सकता है कि उस पर हक रहा हो या ना भी रहा हो, कि हत्या करना जायज है या यह सरकार के फेल होने का, नाकाम होने का जीता जागता सबूत है। हमें लगता है कि योगी सरकार को गड्ढा मुक्त सड़क करने में तो अभी वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सड़कें अभी भी मौत को कहीं ना कहीं बुलावा दे रही हैं। कम से कम तो कानून सुरक्षा व्यवस्थित करते हुए बलात्कार, रेप, हत्याकांड, गुंडई, लूट और इस तरीके दिन दहाड़े दबंगई और हत्या के कांड पर रोक लगाने में सफल होगी।
आगे फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि समाज जागेगा, एकजुट होकर के आवाज उठाएगा इस तरीके के अत्याचार के खिलाफ। मैं विजय आपके साथ फिर मिलूंगा अगले विजय पथ में नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर और विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.localnewsofindia.com।